अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगर इमी। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? दुआ करता हूँ सब बढ़िया होंगे। यार दो तीन दिन हो गए, आपको एहसास हुआ क्या? सर्दी वापस आ गई है ना, हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। देखो अभी भी हवा चल रही है, आंधी तो नहीं बोल सकते, ठंडी हवाएँ चल रही है और रात को भी सर्दी। हो सकता है रमज़ान की वजह से है कि रमज़ान आ रहे हैं तो ठंड हो गई। चलो ये तो अब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के बचे कितने दिन हैं? 3-4 दिन और बचे हैं। आज का सोमवार है क्या? लेकिन आप ये वीडियो मंगलवार को देख रहे हो तो ये सोमवार है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तब से 4 दिन बचे हैं, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, शनिवार को तो रमज़ान है। तो चलो रमज़ान का वेलकम करेंगे, लेकिन पहले चाय बन रही है तो चलते हैं, पहले चाय ले लेते हैं परमा से। चलो आ गए किचन में चाय लेने। बन गई परमा की चाय, ले दे दे भाई, दे दे, बन गई चाय। अब छलने जा रही है, डिवाइड होने जा रही है चाय। चलो चाय लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलो ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम चाय और भी ज़बरदस्त लगेगी, वो सोने पे सुहागा वाली है ना। और चाय में अदरक हो ठंड में तो कहना है क्या। चलो चाय पियेंगे, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चलो चाय पी ली, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मोटरसाइकिल वो आवारा पागल दीवाना वाली, वो देखो चला रहा है ना उसका। आपको बैक कैमरा करके शॉट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं भी चलाऊँगा। चलो इन्होंने चला लिया, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, ले हैदर वीडियो बना रही। मेरे तो पल्ले पड़े नहीं अभी तक ये, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है वो अलग सिस्टम के है। मैं आपको बैक कमरा करके बताता हूँ, ये इसकी है, ये अपना बॉम्बे का लोंडा है, ये इसकी है, ये लेके आया अपने कपिल की। मैं आपको बैक कैमरा करके बताता हूँ उसकी कंट्रोल कैसे काम करता है। ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है एक्सेलरेटर, ऐसे ऐसे ये एक्सेलरेटर है इसका। हम सोचते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हत्ता दिया हुआ बस, अरे यही बात है, और यह भी हत्ता है बस। तो ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये था जो रेत में चलती है ना, ये रेत में नहीं अटक सकती गाड़ी, कुछ भी हो जाए चाहे, रेत में ये अटक ही नहीं सकती। आपने जैसे इसकी बनावट जैसी है ना, जैसे इसके टायर है, जैसे इसके बनावट है, तो ये रेत में अटक ही नहीं सकती। और इसको चलाना फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे मेरा हाथ बैठा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम चलाई तो मेरा हाथ बैठा नहीं, शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन इसको जो चलाने का एक्सपीरियंस है ना, ज़बरदस्त है। एक बार जैसे फर्स्ट टाइम में हाथ नहीं बैठता, कि जैसे मैंने बोला इसका जो एक्सेलरेटर है वो यहाँ पर है, स्विच के टाइप में ऐसे दबाओगे तब वो भूँ ऐसा करेगा, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कहाँ गया एक्सेलरेटर। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम होती है ना तो ऐसे लगता है, सही है ना। जैसे मैं सुबह बता रहा था, हवा चल रही है ख़तरनाक है यहाँ पे, आंधी नहीं चल रही, हवा चल रही है ठंडी ठंडी एकदम, जबर मौसम है ना वापस चेंज हो गया। जैसे अभी बीच में गर्मी आ गई थी, लेकिन वापस अब ठंड की ओर बढ़ रहा है मौसम, शायद रमज़ान की वजह से। अच्छा है थोड़े रमज़ान ठंडे हो जाए तो बहुत बढ़िया, बेहतर है। चलो चलते हैं यार, वो फौजी की तबीयत भी ख़राब थी आज, ठीक है अभी भी ख़राब है फौजी, अभी रूम में रेस्ट कर रहा है, उसको जाके देखते हैं उसकी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई है, दवाई ले ली। चलो भैया अभी ठीक है, देखो सो रहा है बेचारा फौजी, सुबह से तबीयत ख़राब थी ना, अभी ठीक है। वही मौसम की वजह से उल्टी, फिर हाजमा थोड़ा सही नहीं, सर दर्द वगैरह, बुखार वगैरह। मैंने बोला था दिखाने का, लेकिन उसने बोला कि नहीं दिखाने जैसा कुछ नहीं है, टेबलेट ले ली तो उससे ठीक हो गया। तो चलिए चलते हैं वापस वर्कशॉप में, फिलहाल वर्कशॉप में तो कुछ काम तो है नहीं, अभी बैठे हैं बस, मस्ती मजाक जो अभी चल रहा था वही बाइक्स के स्टंट वगैरह। लेकिन वो चीज़ अच्छी है यार, है ना, ज़बरदस्त चीज़ है वो, चलाने में मज़ा बहुत आता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो मुझसे हुआ नहीं वो, लेकिन वो चीज़ अच्छी है, रेत में ज़्यादा अच्छी है वो, ज़बरदस्त चीज़ है रेत में। तो चलते हैं वापस मामा के पास में, उनसे थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आज का वीडियो उसके बारे में होने वाला था, नाश्ते के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था फॉल तमीज़, लेकिन यार सुबह आँख ही नहीं खुली, अब ऐसी हवाएं चल रही है, सर्दी ठंड पड़ रही है एकदम ख़तरनाक, तो कहाँ से आँख खुलेगी, सही है ना, इसलिए आँख खुली नहीं। तो देखते हैं अगर कल इंशाल्लाह आँख खुली तो देखते हैं, नहीं तो फिर डेली व्लॉग तो चल ही रहे हैं। अगर जल्दी आँख खुली तो वो फॉल तमीज़ वाला बनाना ही है, वो एक वीडियो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाएंगे, तो देखते हैं कल अगर हुआ तो बनाएंगे। तो मैं आ गया अभी अपने वर्कशॉप के बाहर जहाँ मामा वेल्डिंग का काम कर रहा है, सोचा मामा से थोड़ी बात हो जाएगी, मामा आज बिज़ी है। मैंने बोला ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह मामा के पास काम अच्छा चल रहा है, मामा अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। कहाँ गए रहे, ये रहा दिख रहा होगा आपको, ये बैठा देखो काला काला दिख रहा है ना, एक मिनट बैक कमरा करके दिखाता हूँ मैं आपको।
मैं जब वीडियो बना रहा था अभी मामा का, तो मामा कुछ बोल रहा था, शायद आपने गौर किया होगा, मामा ऐसे गर्दन हिला रहा था, तो वो कुछ बोल रहा था, तो मैं बताता हूँ आपको। मामा बोल रहा था कि जब मैं वहाँ था ना घर पे, तो लोग बोलता था कि सऊदी अरब जाओ, वहाँ पैसा उड़ता है ऐसे हवा में, तो पकड़ना पड़ेगा। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पैसा नहीं उड़ता, यहाँ रमल उड़ता है बस। रमल यानी रेत, रेत को बोलते हैं रमल। तो मामा ये बता रहा था कि बोलते हैं बहुत है लोग कि अरे सऊदी जाएंगे वहाँ कमाएंगे पैसे, लेकिन रियलिटी कब पता चलती है, जब आप यहाँ आते हो तब पता चलता है कि पैसा उड़ता नहीं है, पैसा मतलब कमाना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। सही है ना, ऐसा पैसा नहीं मिलता, पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता यहाँ पे, है ना। होता है ना, जैसे कई लोग अभी जैसे जो मतलब घरों के बाहर नहीं निकले हैं कमाने के लिए, उनके ऐसा होता है कि यार नहीं बाहर जाएंगे वहाँ पैसे कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे या रियाल कमाएंगे, धिरम कमाएंगे। तो ऐसे नहीं आते ना, वो धिरम डॉलर दिनार ऐसे नहीं आते, घिसवानी पड़ती है ना, पसीना निकालना पड़ता है, तब जाके वो कमाई होती है। तो मामा यही बात बोल रहा था अभी। तो मामा से अभी खुल के बात हुई नहीं, मामा से बात करेंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि अभी मगरिब का टाइम हो रहा है तो सूरज ढलने वाला है, तो मैं भी यार वीडियो ज़्यादा आगे नहीं खींच पाऊँगा। तो कल का वीडियो इंशाल्लाह नाश्ते पे होगा, अगर मेरी आँख जल्दी खुली तो, और फिर मामा से भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल भी अगर पसंद है, वीडियोज़ आप डेली देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो गलत बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखिए, मैं मिलूँगा आपसे कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब चलती कलम मेरे चलते हैं पेज, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की, तू घर जा और कल अपने पापा को भेज, कुछ बकने से पहले तू नाम कर ले याद, साले तेरे जैसे कितनों की पकड़ी है।